सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन और स्त्री, इनसे जो बच जाए। कहा कि चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई। चलो चलो मतलब भगवान के घर चलो, भगवत प्राप्ति करो। सब दुनिया चला चली में है, भक्ति करो, भगवान की भजन करो, यही चर्चा। कहा चलो चलो सब कोई कहे, लेकिन बिरला पहुंचे कोई। क्यों? एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। स्त्री और धन, ये दो घाटी है। धन का उपयोग अपने लिए स्वार्थ में, स्त्री अपने सुख के लिए, और फिर आगे संतति अपने सुख के लिए। तो गृहस्थ बनने का सुख स्त्री का और धन का, सब इन्हीं दोनों के पीछे। सारा समय बर्बाद हो रहा है गृहस्थ के झंझटों में और धन के लिए। पहले स्त्री की कामना, स्त्री हुई तो फिर धन भी चाहिए, फिर संतान भी होगी, उनके लिए सब कुछ करना, बस इसी को केंद्र में रख करके। तो चलो चलो सब कोई कहे, लेकिन चल कोई नहीं रहा, बिरला पहुंचे कोई। तो खर्च कहां समय कर रहे हैं? गृहस्थ को निभाने में और धन में, स्त्री और धन, बस दो में फंसे। और कह सब रहे, फंसने वाले भी कह रहे हैं भक्ति करो भक्ति करो, और कर भी रहे, लेकिन चाहत कौन सी? ये दो चाहत। यदि इन दो से कोई बच भी जाए, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। यदि कोई धन स्त्री का लोभ का त्याग करके आगे निकल भी गया, तो वह ईर्षा द्वेष में फंसेगा, वो इससे भी गहरी घाटी है। मैं देखता हूं कई लोग सब कुछ छोड़ के आ गए, कोई झंझट ही नहीं, ना कामनी ना धन का कोई झंझट, ना पर धन पे पलते, अपनी कमाई खा रहे, बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब धन से भी बचे हैं, पर धन से, और स्त्री से बचे हैं, गृहस्थ से बचे हैं, लेकिन इन दो घाटियों को पार तो कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया काने, मतलब गृहस्थ के बेड़ियां छूट गई, लेकिन तब भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? कहा कि ये स्त्री और धन दो को तो तज दोगे, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। हम एक व्यक्ति की प्रशंसा कर दे, दूसरा चिड़ जाएगा, हमारी तो हुई नहीं। हम एक व्यक्ति को शाबाशी दे दे तो दूसरा चिड़ जाएगा, हमको तो दी नहीं हुई। बल्कि जिसको शाबाशी दी उसी से चिड़ने लग जाएंगे, ये ज्यादा आगे हो रहा है, इसको गिराओ टांग पकड़। ईर्षा द्वेष, यही फंसे हैं सारी दुनिया। यहां तो चलो सत्संग है, हम संभाल लेते हैं, जहां भी ऐसा बात हो संभाल लेते हैं, लेकिन जहां संभालने वाले ने गृहस्थ में, जो स्वयं ही राग द्वेष में फंसे, उनका क्या होता है? यहां तो हमारे यहां क्षमा बहुत है, हम इतना उपदेश करते क्षमा करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्षमा, लेकिन गृहस्थों में तो कोई क्षमा करने को किसी को तैयार नहीं। वहां जो युद्ध चल रहे हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं, शीत युद्ध चल रहे हैं, धीरे धीरे जैसे लकड़ी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है और भीतर घुन लग गया है, ऐसे गृहस्थी लोग बाहर से तो बड़े अच्छे, तिल कंठी माला पूजा सब कुछ है, लेकिन अंदर घुन लगा हुआ है। किसका घुन? ईर्षा द्वेष लड़ाई झगड़े में रहते। क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है गृहस्थों के। हाँ, जो संतों का विशेष सत्संग करते हैं, जिनको प्रसन्न रीजे, उनके भीतर भले क्षमा आ जाए, नहीं तो नहीं क्षमा, सब लाई झगड़ा खूब भक्ति। और हमारे पास आएंगे, महाराज नीम बढ़ा दो, कितना करते हो? 32। वाह बहुत बढ़िया महाराज, नीम बढ़ा दो। अच्छा तुम अब 48 क्या? नहीं महाराज, 48 नहीं 64 का नीम दे दो। मतलब नीम तुम 64 का दे वो भी ले लेंगे, लेकिन सुधरने को तैयार, निंदा चुगली ईर्षा तैयार, उसको सुधरने को तैयार नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा। हमारा मानो दूसरे का क्यों? मान बढ़ाई, हमारी प्रशंसा करे दूसरे की हो रही है, मेरी क्यों नहीं होती? और फिर नहीं हो तो ईर्षा, जब ईर्षा है तो क्या करेगी? सर टांग पड़ गया, खींचो, झूठ मूठ में निंदा करो। और इधर भक्ति, नाम जब चिंतन परिक्रमा सब कुछ होगा,
एकादशी व्रतों का पूजा पाठ सब कुछ होगा। इधर ये इस समय कलयुग की घोर स्थिति, और कब तक, जब तक संत शरणागत नहीं होंगे कोई माई का लाल तुमको माया से नहीं बचा सकता। कर लो भक्ति पूजा पाठ जो मर्जी कर लो रावण की तरह, जब तक संत की शरणागति नहीं लोगे तब तक कोई माई का लाल किसी भी साधन से तर नहीं सकता, क्योंकि एक गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई।